देते हैं, इसका गला घोट देते हैं स्पीकर का, जरूरत नहीं। सिर्फ आपकी आवाज के लिए यूज हो रहा है नहीं नहीं स्पीकर का, स्पीकर का माइक को। हाँ साउंड, हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, हाँ भाई स्टूडेंट, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, चेक करें आवाज आ रही है। अभी नहीं आई है किसी को भी, आ गई, बेहतरीन। वॉइस इज परफेक्ट, आ रही है बेहतरीन। ओके वालेकुम सलाम, ठीक है सेट। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग कर दी थी एक्चुअली, नहीं नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। हाँ मैं बस वही कर रहा हूँ, चेक कर लूँ बस, वो भी आखिरी चीज़ है, वो भी हो जाएगा, स्क्रीन आ जाएगी दोस्त, बस अभी आ रही है स्क्रीन। यार यहाँ पे क्लास वाले माइक का मसला हो रहा है, मुझे लग रहा है क्लास वाले माइक की आवाज़ सही नहीं आ रही है, जा नहीं रही है। देखे ना मैं बोल रहा हूँ, इनको जा रही है आवाज़, क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स को नहीं जा रही, चेक करके देखें। 2 मिनट हुज़ैफ़ा यहीं पर रुक जाए ताकि तसल्ली हो जाए। बिल्कुल, हियर वी गो। अच्छा भाई दोस्तों, एक कोई स्टूडेंट इतनी हेल्प कर दे प्लीज, पीछे से लाइट्स वगैरह को ऑफ करने का, ये वाले सूरज बंद कर दे यार। ये वाले नहीं, ये फ्रंट के 3 कर दे बंद। हाँ भाई स्क्रीन क्लियर हो गई अब, ये आ गया। अल्लाह हुज़ैफ़ा इधर आइएगा 1 मिनट दोस्तों, स्क्रीन आ जाएगी प्लीज अभी। जी, क्लास वालों को नजर नहीं आ रही, आ जाएं वेट करें। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, स्क्रीन शेयरिंग जल्दी से देखो। मुझे आपने ऑर्गेनाइजर बनाया ना, मुझे वो प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा। शो माय स्क्रीन, अच्छा यस, दैट्स परफेक्ट। हाँ भाई दोस्तों आप बताएं, बेस्ट है? बिल्कुल सही है, सिर्फ यार हुज़ैफ़ा मेरा ख्याल है दोस्तों, अगर एक आध लाइट यहां से बीच वाली बंद कर दी जाए तो मसला तो नहीं है। हुज़ैफ़ा चेक कीजिएगा स्क्रीन, अब देखें आगे 1 मिनट, जब टॉपिक आएगा तब नजर आनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही है। पीछे या लाइट्स और ऑफ करें, बताएं भाई बताएं, ये वाली ऑफ कर दें हुज़ैफ़ा, ये वाली ऑफ कर दें, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। जज़ाकअल्लाह भाई, थैंक यू। अच्छा भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, बस फिलहाल स्क्रीन को देखें दोस्तों, चलें ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें ये फर्स्ट टाइम एवर ऐसा है कि हम एक ऐसे बैच में जा रहे हैं कि एंड थैंक्स टू दोज हु थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मुश्किलात में ही जीना असल जीना होता है। और कोरोना के अंदर भी हमने ये देखा कि जिन लोगों ने कोशिश करी कुछ, उन्होंने इसी कोरोना में अपना बिजनेस तक डेवलप कर लिया, और कुछ ऐसे थे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले थे एंड देवर टेकन बाय सरप्राइज कि हमारा तो शॉप ही नहीं खुल सकती, एंड देवर टेकन सो मच बाई सरप्राइज के बाद में उनके बिजनेस ने बहुत ह्यूज लॉसेस सफर किए। सो इट्स मोर अबाउट टेकिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज और डिफिकल्टीज को पॉजिटिवली लेकर जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। यही वजह है कि आज आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हैं कराची में लेकिन ऑनलाइन अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं हमारे साथ, बिकॉज दे हैव रियलाइज कि यस वी कैन डू इट फ्रॉम दैट प्लेस, कोई मसला नहीं है। बहुत दूर होंगे, कोई और मसला होगा। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बोला सर जब तक आएंगे नहीं इंसान नहीं बनेंगे, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं सारे।
equally important. Every single person, every single student is important for us. थोड़ा सा शुरू में शायद आपको फील होगा ये सर ऊपर दीवारों को क्यों देखते हैं, तो ये थोड़ा सा फील होगा सर चांद तारे नहीं देख रहे, सर कुछ देख रहा है, सर देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली ऑब्वियसली चैट बॉक्स है, स्टूडेंट की क्वेरीज है तो मैं उनको देख रहा हूँ, तो आप ये मुझे कौन है कौन बताए, कोई नहीं है ठीक है, ये बस चैट बॉक्स है इसको देखना पड़ेगा। एक नंबर टू दोस्तों, इस सिलेबस के अंदर ये आपके पास इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत अच्छे से BMBS आप इंशाल्लाह आई बिलीव 80-90% आप क्लास में तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह, इसको प्लान ही इसी तरह किया है। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और डायरेक्ट टॉपिक पे आऊंगा ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना फर्स्ट डे चाहते हैं यार थोड़ी गपशप हो ये हो, हम फर्स्ट डे डायरेक्ट एक टॉपिक कर लेंगे इंशाल्लाह, पहले टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और आपके पास ये हो जाएगा यार हमने शुरू कर दिया कोर्स भाई, तो शुरू भी कर देंगे, पहला टॉपिक भी कर देंगे, उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे। आए शुरू करते हैं। ये एक रूल है हमारी क्लास का, व्हेन यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड द थिंग्स यू आर ग्रांटेड आर टेकन बैक, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज बी बॉर्न इन योर माइंड, दिस शुड बी एम्बेडेड इन योर माइंड। क्या कि कभी कभार हम कुछ चीजों को बहुत लाइटली और बहुत ग्रांटेड लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये आता है दोस्तों कि जिस वक्त असल में वो चीज चली जाती है फिर कदर आती है। अब वो दोस्त भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, सेहत भी हो सकती है, तो जो कुछ हमारे पास है आज वो बहुत सारे करोड़ों लोग विश कर रहे हैं काश उनके पास होता। जिसने ये चाय बनाई होगी ना और चाय पैक की होगी, वो भी अगर पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी मिलती तो आज ढाबे पे काम नहीं कर रहा होता, लेकिन मुझे और आपको अल्लाह ने एक ऐसे घर में पैदा किया कि जो तालीम भी हासिल कर सकते हैं, सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो थिंक बिग, टारगेट बिग, एम बिग, थोड़ा ऊंचा सोच के चलें। इस पूरे पेपर में कोई रट्टा लगवाने वाली बातें सिवाय चंद प्लेसेस के मैं नहीं करूंगा, जहां पे आईकैप अभी तक बदला नहीं है। आगे बोलते हैं ये मुझे ऐसा ही चाहिए, हम बोलेंगे आपको ऐसे ही पेश करेंगे, और सिर्फ इन जगहों के अलावा तमाम जगहों पे सिर्फ लॉजिक चलेगी। रट्टा नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा ये पैराग्राफ पूरा याद करो, आपने लॉजिक से चलना है, ड्राफ्टिंग मेरे साथ क्लास में करनी है और इंशाल्लाह आपके प्रैक्टिस सेशन अलग से लगाए जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप हमारे पास बुक के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं दोस्तों? 11 चैप्टर्स की पहले हमारी बुक के अंदर, पहले सिलेबस के अंदर हमारे पास एक ग्रिड हुआ करती थी और वो ये था सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, चार्ट और सेक्शन ई, 5 सेक्शंस होते थे। ये आपके सामने आ रहे हैं, देखें सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। आपका दिल चाहेगा आप इसे लिख लें और मैं भी चाहूंगा आप इसे लिख लें, पिक्चर नहीं लिखें। इस बारे में कुछ बात करता हूं। आईकेप ने जब ये बुक रिवाइज की तो आईकेप ने ये सेक्शंस के नाम और ये बायफिकेशन तो कोई खास नहीं हटाई और कुछ मेंशन भी नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूं ये आज भी वैलिड है। सर आप कैसे शुरू करेंगे, आप किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे? हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2 सेक्शन ए में से, चैप्टर नंबर 2 आप ये नोट करें। दोस्तों चैप्टर 2 से डायरेक्ट शुरू करते हैं। किस बारे में चैप्टर है, पेपर क्या आता है, एक इंट्रोडक्शन छोटा सा पेपर के बारे में देखते जाओ। देखो दोस्तों पेपर 100 मार्क्स का आता है और इस 100 मार्क्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 90+ मार्क्स अब एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो गुड न्यूज क्या बनी, नो रट्टाफिकेशन, कोई रट्टा नहीं लगाना, लेकिन देयर विल बी सम सर्कमस्टांसेस जहां पे बोलेंगे एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी का ये केस है,
ये है और उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा जवाब, आप बोलेंगे सर ये तो वही वाले पॉइंट्स हैं, बंदे का नाम कंपनी का नाम चेंज करके सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो उस जगह क्या करेंगे, उस जगह में वही पॉइंट्स रिप्रोड्यूस करने होंगे। लेकिन गुड न्यूज इज एज इट इज नहीं करने होंगे, एज इट इज नहीं करने होंगे। हम करेंगे क्या, कीवर्ड अप्रोच पे चलेंगे, हमारा पूरा BMBS कीवर्ड अप्रोच पे चलेगा। यहां क्लास में चैप्टर कवर हुआ, मैं आपको लर्निंग पेजेस दे दूंगा पूरे चैप्टर के, हर चैप्टर के लर्निंग पेजेस रेडी हैं। चैप्टर नंबर 2 खत्म, उसके लर्निंग पेजेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्लास में। वो लर्निंग पेजेस क्या है कि अगर कोई इतना भी वीक है कि पूरे चैप्टर के बाद वो कहते हैं मैंने कुछ याद नहीं किया, वो इन लर्निंग पेजेस को उठाए भिगो दे सुबह शाम उसका यानी कि दिमाग में, उसको अपने पास नोट कर ले और वो ही याद करता रहे बस। सर अभी दे दे? नहीं, पहले एक नॉर्मल एफर्ट होगी, कमजोरी की सूरत में मल्टीविटामिन्स का हम आपको इंजेक्शन देंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 का नाम बोलो, लिखते चले जाओ साथ साथ, शाबाश। एक सवाल आया है सर चैप्टर 2 फर्स्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, जवाब क्योंकि हमारी बुक की सीक्वेंस कोई लॉजिकल बेसिस पे नहीं बनाई गई कि चैप्टर 1 में बेसिक्स हैं, 2 के आगे और 11 सबसे कॉन्सेप्चुअल, बल्कि ये स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं। और लॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप पहले बिजनेस और उसके एनवायरमेंट को स्टडी कर लें, फिर आप सब चीजें समझ जाएंगे, तो ये लॉजिक है दोस्तों। अच्छा भाई नेक्स्ट चैप, अब अगर हर चैप्टर में आपको इस तरह करा दूं कि पूरे चैप्टर में कितनी बातें, बोलो भाई 7 बातें, बिजनेस एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कंपेटिटिव फोर्सेस। अगर ऐसा कर दूं तो इसमें से मैं यूं कहूंगा पूरा चैप्टर 2 एक तरफ, सेक्शन नंबर 7 एक तरफ, इतना इंपॉर्टेंट है। यानी जिस सेक्शन से हम शुरू कर रहे हैं ना, वो आपके लिए पेपर में 50-60% पासिंग मार्क्स लेकर आ सकता है। क्या मतलब, आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं पेपर में, 50। अगर कोई सब चैप्टर का एरिया 25 मार्क के लिए आ जाए तो कितने बन गए पासिंग का, तो पूरी बुक में एक ऐसा एरिया है जो पेपर के अंदर 25 मार्क के लिए उठ के आ सकता है, वो कौन सा है, कंपैरेटिव फोर्सेस। इसमें हर चीज ऐसी है जो पेपर के अंदर, यहां भी CFAP के फाइनल्स में MSA 2 तक में ये टॉपिक्स आते हैं जो भी पढ़ा रहा हूं। चलो भाई आगे बढ़े, हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 7। अब सेक्शन 7 में नेक्स्ट क्या है देखते जाएं, बढ़ो आगे। हाँ भाई बताओ, बढ़ जाऊं? नो सर, सेक्शन 7 के अंदर दोस्तों टोटल 5 बातें हैं। कितनी बातें दोस्तों, और इसमें जिस टॉपिक से हम शुरू करेंगे वो है 7.4। आप इतना एग्जैक्ट चलेंगे बुक के साथ, आप लोगों से अक्सर वही है जिन्होंने भी लास्ट दिसंबर में FC किया, शायद ऐसे ही है वहां में लग वही रहे सारे, एक साल में कहां से कहां आ गए, इंशाल्लाह अगले एक साल में कहां से कहां चले जाएंगे। आ जाओ दोस्त, आ जाओ दोस्त, ये मैं इरादतन लेट हुआ हूं या इत्तेफाकन लेट हुआ हूं, इत्तेफाकन ठीक है। डन हो गया दोस्तों? नो,
हाँ दोस्तों क्लियर हुई बात, डने इधर तक पहुंच गए। अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है ना, अभी तो ये चल रहा है, ये एड्रेस है, ये गली नंबर है, मोहल्ला नंबर है, मकान नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, सामने वो है, अभी यही चल रहा है। अब शुरू होगा टॉपिक। दोस्तों इस टॉपिक पे मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहता हूं, इंशाल्लाह अगले 5 सालों तक तो ये टॉपिक नहीं भूलोगे, पक्का वादा है। और अगर थोड़ी एफर्ट कर ली तो लाइफ टाइम गारंटी है। लेकिन एक कंडीशन है बस, पढ़ते हुए अपने कैनवस को बिल्कुल ब्लैंक रखना है, कैनवस बिल्कुल ब्लैंक रखना है, खाली रखना है, जीरो समझना है। ठीक है, आओ दोस्तों सब रेडी हैं, शुरू करूं। क्या लिखा है? अल्सर्स आर नॉट कॉज बाय वॉट यू ईट बट वॉट ईट्स यू। हाँ भाई, वरीज, पेन्स, वर्ड्स, कुछ अल्फाज, कुछ चीजें जो खा जाती है ना आपको। तो ये कह रहे हैं अल्सर जो कि एक आंतों का मसला होता है, आप जानते हैं, कह रहे हैं इससे इंसान नहीं मरते, मरते उससे जो चीजें इंसान को खाती हैं। इन अदर वर्ड्स, इंसान जो खाता है उससे नहीं मरता, जो इंसान को खाता है उससे इंसान मरता है। इट शोज दैट समटाइम्स हम अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर इतना पेन ले लेते हैं, और ये मैं पहले डिस्क्लोज इसलिए कर रहा हूँ कोर्स के शुरू में, कि ऐसे बहुत सारे केसेस अब आना शुरू हो गए हैं हमारे सामने। एक हमारी स्टूडेंट का केस ये हुआ कि कुछ वक्त पहले पता चला कि भाई एंजाइटी के शिकार हुई, और शिकार होके वो आ खान पहुंच गई, और आ खान में जाके उनकी आई साइट भी नजर नहीं आ रही, विजन चला गया, या बहुत मुश्किल हो रही है, ब्रीदिंग का इश्यू है। जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट किया तो साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा एग्जाम स्ट्रेस ने इसको यहां तक पहुंचाया है। तो भाई दोस्तों, जो नसीब का है मिलके रहेगा, अपने हिस्से की एफर्ट करो, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ तुम्हारे वालदेन की दुआएं हैं, अच्छी नीयतें हैं, तुम थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी लेते हो, इतना सीरियस नहीं बैठते हो, सही है जिंदगी में। हाँ अहमद, नॉर्मल हो ना? ठीक है, तो ये अगर कर सकते हो ना दोस्तों, पॉजिटिव रह सकते हो, सब कुछ अचीव कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगा, सब डूएबल है। बल्कि इस बैच में तुम ये नियत करो कि तुम पढ़ाई के अलावा भी दो अच्छे काम और करोगे, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई को फैला देते हैं, वो चीज खा जाती है आपको, आप हावी नहीं होते। आपको ख्वाबों में K4 आ रहा होता है, K6 आ रहा होता है, K5 आ रहा होता है, इतने हॉन्टेड ख्वाब। ये ख्वाब होने की वजह ये कि आपने अपने ऊपर हावी कर लिया। इतने लोगों से पूछा यार पेपर कैसा ही है, जैसा भी है मैं पढ़ूंगा, मुझे मेरे टीचर पढ़ाएंगे, पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह, दैट्स इट। पहले भी बहुत लोगों ने एफर्ट किए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, मैं भी एफर्ट करूंगा, मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों अब मेरे साथ चलो, अब ये समझाना है आपको, नोट करते जाना लेक्चर, अब लेक्चर नोट करने का टाइम है। ठीक है दोस्तों, लेक्चर को नोट करने का टाइम है। इस तार ने मेरी मोबिलिटी रोक दी है बहुत दूर तक, बस यहीं तक रहूंगा मैं। अच्छा भाई, वैल्यू चेन एनालिसिस, अब सारे सवालात बाद में, इस वक्त फोकस करेंगे आप मेरे साथ तीन वर्ड्स पे, वैल्यू चेन और एनालिसिस। बोलते जाओ मेरे साथ, वैल्यू चेन और एनालिसिस। ये तीन वर्ड्स आपको समझने हैं, इसको हम लेफ्ट टू राइट समझेंगे, राइट टू लेफ्ट समझेंगे, यानी पहले एनालिसिस समझेंगे, फिर क्या समझेंगे दोस्तों, चेन, और फिर वैल्यू। शाबाश। देखें, नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, अच्छा दोस्तों चलें। पहली बात ये नोट करें, फर्स्ट थिंग, हम जब ये कहते हैं एनालिसिस, तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम वर्ड यूज करते हैं क्या दोस्तों, तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सवाल ये है। तज्जिया, और कुछ बताओ, इनपुट दो, शाबाश। एनालिसिस का मतलब बताओ दोस्तों। यस यस, बोलो बोलो। किसी चीज को ऊपर से देखना है एनालिसिस, वो तो ओवरव्यू होगा, ठीक है,
और कुछ बताओ? मुशाहिदा, दैट्स ऑब्जर्वेशन। और बताओ, कोई बताए भाई? अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो मैं यूं कहूंगा, एनालिसिस कहते हैं एनालाइज करने को, यस। और एनालाइज का मतलब होता है, लिखो मेरे साथ, टू ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड डिस्कस। मैंने आपसे गारंटी दी है इंशाल्लाह, 5 साल इसलिए बोले हैं कि एमएसए 2 में भी यही टॉपिक है, और मैं कोशिश करूंगा जितनी डेप्थ है, सब डेप्थ जितनी बता सकूं बता दूं आपको, ठीक है? किसी चीज को पार्ट्स में ब्रेक करके डिस्कस करना। नहीं समझ में आया सर, मैं बताता हूं। चेंज कर दूं स्क्रीन, अब मैं चेंज कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक सेलफोन है मेरे पास, अब मैं नाम ले रहा हूं सैमसंग नोट 8। किसके पास है क्लास में सैमसंग नोट 8, कोई बता सकता है? आपके पास है, सही है। मैं नाम चेंज कर रहा हूं, सुनिएगा प्लीज। आपने फौरन अभी कुछ बोलना शुरू कर देना था। आईफोन कितनों के पास है? कौन सा है यार दोस्त? एक्स। सवाल, कितने लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं? सर बोलेंगे, सर बात जैसे ही आप आईफोन के बारे में बात शुरू करेंगे, इट विल स्टार्ट लाइक, सर कैमरा ऐसा है, बैटरी ऐसी है, सर आईफोन में तो सिक्योरिटी ऐसी है, और बोलो और बोलो, स्पीड, प्रोसेसर, बोलो बोलो दोस्तों, रैम। आपने क्या करा, आपने आईफोन की फीचर्स के कर दिए टुकड़े, और आपने उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया, जैसे आप लोगों का पोस्टमार्टम करते हैं, वो अबे यार उसकी ये बात तो बहुत अच्छी है, और ये भी अच्छी है, ये बात भी अच्छी है, लेकिन यार बंदे में एक बहुत बड़ा मसला है। अब आप उसकी पूरी धजियां उड़ा रहे हैं, आप बोल रहे बंदा अच्छा है, लेकिन यार मैं एक बात बताऊं, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और आपको फीडबैक नहीं दिखता, आप पूरा धोते हुए जाते हैं, बोलते खैर बंदा फिर भी अच्छा ही है, दिल में तो कुछ, ये वही होता है कि दोस्त को सब कुछ बोलने का, आप बोलते हैं यार तेरी मर्जी है, देख ले यार, उसको पूरा हटा दिया, जहन साफ कर दिया। एक दोस्त अच्छा खासा मेडिकल में जा रहा है, आपने कहा यार 5 साल MBBS करेगा, फिर 2 साल ये, फिर 3 साल मास्टर्स, 10 साल बाद जाके भी तो किसी क्लिनिक को, यार मतलब जिंदगी वेस्ट है, वैसे मर्जी तेरी है यार ये तो ये इस तरह करने के बाद जब आप खेलते हैं किसी के साथ, तो दोस्तों असल में आप उस फील्ड का या उस बंदे का क्या कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन जो एनालिसिस कर रहे होते हैं वो थोड़ा नेगेटिव होता है, सही है। अब अगली बात दोस्तों, एक सवाल है, मैं आईफोन कैमरा बैटरी सिक्योरिटी स्पीड प्रोसेसर, ये वो फैक्टर जिस पे आपने आईफोन को डिस्कस किया, मैं काम करता हूं आपके सामने, मैं ये करता हूं, अब मैं आपके सामने नाम लेता हूं हाँ भाई, कितने लोग इसके करीब से भी गुजरे हैं जरा बता दें, क्योंकि कुछ लोग वहां से खाली गुजरते हैं। जी अहमद, अहमद थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, बताएंगे कोलाची के बारे में, हाँ भाई ऑनलाइन वालों बताएं कोलाची के बारे में, बोलो सॉरी कुछ भी इसके बारे में, फीचर्स, तारीफ, बुराई, माहौल आ गया, ये जाते इसलिए। नेक्स्ट, जी भाई, हाँ भाई नेक्स्ट, बोलो बोलो जैन, यस, कस्टमर सर्विस आपको अच्छी लगती है? अच्छा ठीक है भाई, खाना बहुत अच्छा है सर, आप कह रहे हैं खाना, खाना ही लिख रहा हूं मैं, सही है। व्यू, व्यू चलें, ओके सर, वो जो पिक्चर आती है ना फिर, अच्छा
असल इसके पीछे नियत होती है पिक खींचनी है। अल्लाह माफ करे कहीं चले गए और तस्वीर नहीं खींची, लगता है पैसे वसूल नहीं हुए, या कम से कम, हाँ कम से कम ऐसा हो वहां जाके चेक इन हो जाए, चेक इन को लोग देख लें, बोले अच्छा यार तू भी गया था। हाँ यार मैं तो जाता रहता हूँ, कभी कभार ही चेक इन करता हूँ। ठीक है, एनीवेज दिस इज एनालिसिस। नाउ लेट्स गेट अ बिट रफ अबाउट समथिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अगर थोड़ी बर्दाश्त कर सकते हैं, डिसेंटली बात करेंगे तो आई विल राइट समथिंग, ठीक है, क्योंकि हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी की तरफ से आए, मैं बहुत फेवर में हूं, कोई मेरे बहुत अगेंस्ट है, हो सकता है। मैं कह सकता हूं ये अभी पीटीआई की रूल चल रहा है, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब मैं कहता हूं दे आर रूलिंग ओवर हियर, उनकी गवर्नमेंट है, और मैं ये कहता हूं नहीं यार फिर भी पहले वालों से तो बहुत बेहतर है, कितने लोग अग्री करते हैं? ग्रेट यार, कितने लोग बोलते हैं सर ज्यादा फर्क नहीं है, कितना बोलते हैं वर्स्ट हो गया वर्स्ट। अच्छा ये जैन उंगली उठा रहा है ऐसे, हाँ अच्छा एक मिनट, जब आप डिटेल कुछ बोलते हैं हाँ जिंदा है अभी भी, सही है, जब वो जिंदा है तो फिर कैसे हो सकता है। तो अब पॉइंट समझो दोस्तों, जब आप किसी गवर्नमेंट को उठा के डिटेल डिस्कस करोगे तो वो पॉलिटिकल एनालिसिस बन जाएगा, जब आप किसी इंसान के बायोलॉजिकल उसकी बॉडी का एनालिसिस करेंगे तो वो इंसान की हेल्थ एनालिसिस हो जाएगा, जब किसी का ब्लड सैंपल लेकर उसको कुछ पैरामीटर्स पे चेक करके आप ये बताएंगे कि हीमोग्लोबिन कितना है और प्लेटलेट्स कितने हैं, तो ये आपका ब्लड का एनालिसिस हो जाएगा जिसका नाम सीबीसी बन जाएगा। दोस्तों याद रखें, किसी चीज को तोड़ना, उसके डिटेल्स को निकालना और उसको असेस करना क्या कहलाते हैं? जबरदस्त, जिंदगी भर के लिए याद हो गया। दूसरी बात आ जाओ आगे, अब नेक्स्ट आ रहे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है पढ़े, वैल्यू चेन एनालिसिस, चलो मैं यूं कर देता हूं। अब देखो, अ वैल्यू चेन इज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज दैट अ फर्म ऑपरेट्स इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, पढ़ लें पूरी तरह, पढ़े पढ़े, अब जो पढ़ लिया ना उसमें कुछ तो ऊपर से गुजर गया, अभी समझ में नहीं आया, अब फिर कुछ बात करनी है मुझे, ये आएगी डेफिनेशन वापस से। अब आओ कुछ बात करते हैं चेन पे, सही है, चेन कहते हैं दोस्तों कनेक्शंस को, चेन कहते हैं कनेक्शंस को, बिकॉज जैसे हमारा करियर जो होता है, एकेडमिक करियर की प्रोग्रेशन होती है, हमारी एजुकेशन होती है, ये सब चीजें चेन्ड हैं, चेन्ड चेन से बंधी हुई हैं। वो जो ज्योमेट्री की क्लासेस मिस की थी, अर्थमेटिक में कॉपी किया था, एलजेब्रा जेड लगा था, उसका इम्पैक्ट लेटर स्टेजेस में ही फील हो रहा होता है। वो इंग्लिश की क्लासेस में कुछ नहीं समझ में आया था, आगे जाके हमेशा बोला यार हमें एक्टिव प्रेजेंट बहुत प्रॉब्लम होती है, शुरू से ही मसला है। उस शुरू से मसला इसलिए होता है, ये एक चेन इंपैक्ट होता है, रूट में मसला होता है, स्टेम प्रॉब्लम कहती है। इसी तरीके से कुछ लोगों के स्पेलिंग्स में बहुत एरर्स आते हैं हमेशा, वो सीए कर लें कुछ भी कर लें, उन्होंने शुरू में तवज्जो नहीं दी थी, अब चाहते भी हैं तो वो काम नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि कोलाची की तारीफ की थी अभी आपने, और आपने ये कहा था कि कोलाची का फूड टेस्टी है या नहीं है, बोलो क्या रेट करते हैं आप, 1 out of 10 क्या रेट करेंगे, 7.5 रेट करेंगे, 0.25। अच्छा तो लेट से अगर कोलाची के हम 7.5, कुछ लोग कह रहे हैं 8 रेट करते हैं, अगर कोलाची को हम 7.5 या 8 रेट करते हैं, और एक दिन हम जाते हैं और जाने के बाद हम कहते हैं यार
इन्होंने तो टेस्ट अपना गिरा दिया, अब इनका टेस्ट कोई बचा है 4 to 5 पे, बस गुजारा था, बस ये टेस्ट बचा है। तो अगर आप गौर करेंगे तो पीछे कहीं कोई प्रोक्योरमेंट में गलती हुई होगी, कोई मसाले एक्सपायर हो गए होंगे, मीट था, चिकन था, ऑयल था, सर्विंग थी, किसी जगह पे गलती हुई होगी, एंड प्रोडक्ट पूरी डैमेज हो गई। एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं, मैं आपके सामने एक वर्ड बोलता हूं, आप उसको पूरा करेंगे खुद, सही है। मैं आपके सामने कहता हूं यू फोन, तुम ही तो, देखा खुद शुरू हो गए ना तुम। अगली बात, मैं आपसे एक वर्ड कहता हूं डॉलेंस, रिलायबल है। अब स्टोरी सुनो, जस्ट इमेजिन के डॉलेंस जो ब्रांड है, इस ब्रांड के साथ ये मामला हुआ, इमेजिन करना, अभी डेट और रेफरेंस नहीं है। डॉलेंस इतनी रिलायबल प्रोडक्ट है कि सालों से चल रही है। एक वक्त आया कि डॉलेंस की चीजों में कंप्लेन आई, कंप्लेन आई, कंप्लेन आई, कंप्लेन आई। डॉलेंस की मार्केटिंग टीम ने स्ट्रैटेजी सोची कि यार ये कंप्लेन आ रही है, लोग आके बोल रहे हैं यार ये वो वाली बात नहीं रही, डॉलेंस वैसा नहीं रहा, डॉलेंस में ये नहीं रहा, डॉलेंस में वो नहीं रहा, ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अब आप समझिएगा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने क्या करा, क्रिकेट के मैच आ रहे हैं, चौका लग रहा है, नीचे लिखा डॉलेंस रिलायबल है, छक्का लग रहा है डॉलेंस रिलायबल है, विकेट गिर रही डॉलेंस रिलायबल है, अखबारें जहां के पीछे भी डॉलेंस रिलायबल है, न्यूज़पेपर के अंदर भी डॉलेंस रिलायबल है, बस में चलते हुए आप देखेंगे तब भी डॉलेंस रिलायबल है, आपने बैठकर कभी तस्वीर नहीं पढ़ी है, डॉलेंस रिलायबल है, रिलायबल है, रिलायबल है, रिलायबल है। अम्मी अब्बू ने नहीं बोला बेटा याद रखो डॉलेंस रिलायबल है, जी अब्बू डॉलेंस रिलायबल है, लेकिन आपको याद है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, मार्केटिंग की पावर, बेचने की पावर। सच है या झूठ उसकी बात नहीं हो रही अभी, लेकिन लोगों के जहन में यह बात डाल दी, एक गिरते हुए ब्रांड नेम को डैमेज होने से बचा लिया। आज इन्होंने अपनी जिंदगी में खुद एक फ्रिज नहीं खरीदा, अभी तो बहुत वक्त है नहीं खरीदने में, ठीक है, अभी भी यही कह रहे हैं डॉलेंस। तो जब आज कह रहे हैं तो खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे मैं तो पहले साल की क्लास में गाता रिलायबल, यही चाहिए। दोस्त कहीं कोई मसला आया होगा, इनकी पूरी चेन ऑफ प्रोडक्शन में कोई गलती हुई होगी, शायद जब फ्रिज बंद करते हैं ना तो वो एक आपको पता है वो रबड़ लगी हुई होती है, तो वो जो रबड़ है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं खरीदी इस दफा डिस्काउंट के चक्कर में, कि शायद वैसी ही होगी। अब क्या हुआ, कुछ अर्से बाद फ्रिज यूज होता है और वो डीली हो जाए, आप बंद कर रहे हैं तो फ्रिज बंद है, आप छोड़ रहे हैं तो वो भी जा रहा है, तो आपने कहना शुरू कर दिया डॉलेंस रिलायबल नहीं है, वो बात नहीं रही। उन्होंने मार्केटिंग कर करके चीज भी ठीक कर दी होगी, अपने आप को वापस ऊपर ले आए, कोई सोच भी नहीं सकता इतना बुरा वक्त देखा होगा, क्योंकि आपको तो सबक पढ़ा दिया ना दोस्त। ये जो डॉलेंस की रिलायबिलिटी है, चाहे एग्जिस्ट करती है चाहे नहीं करती, मेजॉरिटी की जबान पर क्या है, डॉलेंस रिलायबल है, मेजॉरिटी ये कह रही है। अब सुनिएगा, जब कोई मसला आया होगा तो डॉलेंस की प्रोडक्ट एक प्रोसेस से गुजरती होगी। डॉलेंस कलेट से हम कहते हैं, ये आपके सामने आया, लेट से अगर ये फ्रिज है, ये फ्रिज तैयार हुआ है तो पीछे बहुत सारे प्रोसेस होंगे ना दोस्तों, बोलो भाई यस या नो, मैं भी नाम नहीं ले रहा। इवेंचुअली जाके क्या बन रहा है दोस्तों, अगर इस जगह सही काम हुआ, इस जगह सही काम हुआ, इस जगह सही काम हुआ, इस जगह सही हुआ, हर बंदे ने ईमानदारी से काम किया, रिजल्ट एक शानदार प्रोडक्ट जिसको हम क्या कह सकते हैं, रिलायबल है। लेकिन ये जो थे ना, ये प्रोक्योरमेंट वाले, ये सुस्त थे, सुस्त नेस्ती, हाँ यार ठीक है यही दे दो, इनसे मार्केट घूमी नहीं जाती थी के बेस्ट डील ऑब्टेन करें। देखिए दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं, एक तो वो होते हैं जो मार्केट जाते हैं रहने के लिए,
और देखते हैं और कुछ मिलेगा, अभी तो थोड़ी देर हुई आए हुए, भाई अच्छी चीज मिल गई खरीद के आ जाओ। नहीं नहीं अभी तो हम निकले हैं, अभी असर होगी, मगरिब होगी, ईशा होगी, फिर दुकानें बंद होना शुरू होंगी, फिर जाएंगे। नियत से निकलते, जिन जो बार्गेनिंग पे जाके बैठ नहीं जाते, दुकानदार भी बोलता है एक सीट तो इसने ले ली बस, एक तो वो है। दूसरे वो होते हैं, हाँ भाई कितने का, इतने का, डन। ये दोनों एक्सट्रीम्स है। बेस्ट ये होता है कि आपको मार्केट जाना है तो बेहतर तरीका ये कि आपको बताओ मार्केट की स्टडी कि ये चीज रिलायबली कितने की मिल रही है, और आपको बेस्ट डील ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा बहुत बात करके निगोशिएट करना पड़ता है, खुद से कुछ नहीं होता, थोड़ी बात करनी पड़ती है फिर निगोशिएट होता है। दोस्तों अगर इसने प्रोक्योरमेंट में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, टारगेट्स मीट करने के लिए, अगर प्रोक्योरमेंट ने हल्की क्वालिटी की चीज ले ली, बाकी सब, ये भी हाजी सनाउल्लाह थे, ये भी हाजी थे, ये भी हाजी थे, ये भी नेक लोग थे, राइट, प्रोडक्ट नेक हो जाएगी खुद ब खुद। बोलो, पूछ रहा हूं मैं, मेरा सवाल समझो। देखो ये भी अच्छा काम करते हैं, ये भी अच्छा काम करती है, ये रिसर्च है, ये प्रोडक्शन है, ये स्टोर्स है, ये फाइनेंस और मार्केटिंग और एडमिन है, प्रोडक्ट अच्छी हो जाएगी, पूछ रहा हूं, क्यों नहीं होगी? सर एक मसला है, सर बेहतरीन गाड़ी है बस पेट्रोल नहीं है, सर गाड़ी बेहतरीन है बस इंजन का इश्यू है, गाड़ी बेहतरीन है एक टायर फ्लैट है, तीन तो चलेंगे ना सर? नहीं होगा दोस्त, फॉर्मूला मिसिंग है पूरा, फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, आए स्क्रीन देखें प्लीज, अब समझ में आ रहा है? देखो, अ वैल्यू चेन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट गेन्स, बोलो भाई, बेटा ये लिखने वाली बात है, लिखो बेटा ये लिखो, समझ में आ रहा है बेटा? दोस्तों सब साथ हैं, कॉपी कर लिया? डेफिनेशंस अभी आ जाएंगी। अच्छा भाई, दोस्तों अब बात करते हैं। अब तीन वर्ड्स हो गए हमारे पास, ठीक है, एक हो गया वैल्यू, एक हो गया बेटा चेन, और एक हो गया बेटा एनालिसिस। मैंने एनालिसिस समझा दिया, बोलो यस नो। हमने क्या बोला? टू डिस्कस द डिटेल्स, आसान लफ्जों में। इसको फीचर्स बोल सकता हूं अहमद? हाँ बोलो। कॉम्पोनेंट्स कह सकता हूं और पार्ट्स कह सकता हूं? सही है, ठीक है। अच्छा भाई, चेन शोज कनेक्शन, लिंकेज, डिपेंडेंसी। यू ऑन शिप एंड somebody is just प्लेइंग विद द शिप्स डेक, और वो ऐसा कुछ काम कर रहा है कि शिप डैमेज हो सकती है, तो यू वुडंट से भाई खुद मरेगा, तुम भी उसी पे ही हो। तो वैल्यू चेन भी ये कॉन्सेप्ट है कि जब वैल्यू खराब हो रही होगी ना, जैसे पूरी क्लास चल रही है, कोई एक नॉइस करना शुरू हो जाए, डैमेज सब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कंपनी में कहीं गलती हो जाए, सब डैमेज होते हैं, बिकॉज चेन की तरह, बोलो भाई, कनेक्टेड है।
अब अगली बात, वैल्यू किसे कहते हैं दोस्तों? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर रेडी टू पे 450 रुपीज टू बर्गर लैब फॉर एग्जाम्पल। अब बर्गर लैब को 450 रुपए देने को तैयार है, सही है? बर्गर लैब 450 PKR, बेसिक रेगुलर बर्गर। आप 450 देके यू आर ओके, लेकिन आपके घर के पास एक लोकल फास्ट फूड है, लोकल फास्ट फूड आउटलेट, और वो लिख दे अगर जिंगर फॉर ओनली 350 PKR, आप बोलते हैं टू मच। सवाल पूछूंगा मैं आपसे क्यों, तो आप बोलेंगे बर्गर लैब है, कीजिए ही पूछ लो, बोलेगा बर्गर लैब। आप एक शर्ट खरीदते हैं, ये हाईनेक लेट से पहना हुआ है, सही है? इसी तरह कोई शर्ट है, कोई जीन्स है, कुछ भी है, इसमें एक स्टैंप लग गई किसी ब्रांड की, एडम्स की, जॉकी की, फलांकी फलांकी, 1000 रुपए की पहुंच गई, और इसको आप जाके बोल्टन मार्केट से ले लें 150 रुपए, 200। परफॉर्मेंस नहीं बोल रहा, वैल्यू की बात कर रहा हूं। याद रखो दोस्तों, जिस चीज के लिए तुम्हारी जेब से पैसा निकलता है, तुम्हारी जेब से, तो तुम्हारे लिए वैल्यू है। तुम कहते हो इस चीज के पैसे दूं, फ्राइज विथ मैचोस एंड विथ ये और विथ वो, टू मच है भाई। आजा मैं तुझे खिलाता हूं चिप्स कैसे होते हैं, आजा भाई देसी। 50 रुपए के आपने, 100 रुपए के आपने अच्छे फ्राइज ले लिए, आपने कहा बेटा 450 में भी ये चीज नहीं आती, ये जो कैचअप, ये जो बनाते हैं ना, देखो नीचे से जो उठा रहे हैं, ये इसका जो जायका है ना, हम इसके यूज टू है बचपन से। एक मिनट, ये कह रहा है मेरे लिए वैल्यू यही है, और जब उसको साफ सुथरी कोई चीज मिल रही है, वो बोल रहा है टू मच, बहुत महंगा, नहीं कबूल है। याद रखें, हर वो चीज जिसके लोग पैसे देने को तैयार है, हर वो चीज जिसके लिए लोग जो तैयार है उसके लिए वो वैल्यू है, और जो तैयार नहीं है उसके लिए वो वैल्यू। अब एक सवाल पर हम पूरी मार्केट बंद कर देंगे यहां पे। कुछ लोग कहते हैं आईफोन इज, बल्कि अमेरिकन्स, अमेरिकन नेशनल्स कहते हैं विदाउट रेफरेंस, वो कहते हैं इज, इट इज ओवरली एक्सपेंसिव। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? बाकी कह रहे हैं 2.5 लाख सही है, कोई इतना भारी नहीं है, सही है? एक मिनट, एक मिनट, सवाल, जो कह रहे हैं ओवरली एक्सपेंसिव, तो वो कहते हैं यार फोन ही तो करना होता है, तो हम कहते हैं भाई उसको आई क्लाउड से मतलब नहीं है, उसको वैल्यू फील नहीं हो रही। आप बोल रहे हो आई क्लाउड है तो सानू की, ठीक है, तो वो एक्चुअली कह रहा होता है मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। आप कह रहे हैं सर इसमें ये होता है वो होता है, तो पता नहीं है, कह रहे मुझे तो कॉल करनी है वो रखनी है, इसके लिए मैं 2.5 लाख रुपए क्यों दूं, उसको वैल्यू नहीं फील हो रही दोस्तों। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको आई क्लाउड की वैल्यू का पता है और उनको वैल्यू चाहिए, दे आर रेडी टू पे फॉर आईफोन, उनके लिए वैल्यूड है, दूसरों के लिए वैल्यूड। आईफोन लॉन्च करता है अपना फोन और आपको पता है लाइंस लगती हैं, जानते हो गए आप लोग ये बातें, वो जो लाइंस लगती है ना, तो वो आईफोन की कंपनी ये जानती है कि दुनिया के कुछ इतने क्रेजी लोग मौजूद हैं जो इस लाइन में लग के ख्वार होके फोन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम वैल्यू पे फोन खरीदेंगे। कह रहे हैं फिर दूसरे नंबर के ख्वार आते हैं, वो इनसे खरीदते हैं, नहीं 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 नहीं, वो इनसे नहीं खरीदते, वो मार्केट से कुछ दिनों बाद खरीदते हैं। फिर एक नेक्स्ट होते हैं जो इनका यूज खरीदते हैं, फिर एक और होते हैं जो हमारे पास पाकिस्तान में होते हैं, वो बोलते हैं आ रहे हैं तो लेते हुए आ जाना यार, ठीक। तो अब बता रहा हूं, हर एक के लिए वैल्यू मैटर करती है, कोई क्या वैल्यू देने को तैयार है, कोई क्या वैल्यू देने को। दोस्तों ऐसी बात आने लगी है स्क्रीन पे, स्टार्ट।
वैल्यू चेन, वैल्यू किसे कहते हैं? मिलियन डॉलर वाली बात, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर विच द कस्टमर इज अहमद। तुम्हारी जीन्स फटी हुई है? अरे सर, इसके पैसे दिए हैं फटी हुई जीन्स के? बेटा आपके नाना और दादा तो फटे हुए कपड़े दे दिया करते थे किसी को। सर मैं जाके खरीदता हूँ फटे हुए कपड़े और ज्यादा पैसे देता हूँ। एक मिनट, समझाना चाह रहा हूं भाई। कुछ इतने समझदार हो गए, हम इतने पढ़ लिख लिए कि घुटनों से फटी हुई होगी तो हम खरीद लेंगे पैंट को। बिकॉज यार लेवाइस ने फाड़ के दिए, कुछ छोटी चीज थोड़ी होगी। ठीक है, तो अब पॉइंट समझे, अब पॉइंट समझे दोस्तों। पॉइंट ये है कि कस्टमर्स का जब दिमाग खराब होता है तो वो ये चीजें भी खरीदते हैं, ऐसी वैल्यू भी खरीदते हैं। भाई जैकेट्स है ना, जैकेट्स, आपको पता है एक ऐसा लेदर आता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने क्लाइंट के पास था, तो वेंडर है एक्चुअली वो, उनके पास था, उनके पास कुछ मटेरियल रखा हुआ था और वो इतना रफ था लेकिन वो उनकी फिनिश प्रोडक्ट थी। पहनेंगे लोग, मतलब वो रफ लेदर था, रफ रफ लेदर से उसपे स्क्रैच पड़ा हो और उसपे कोई फेड हो गया, नहीं उसकी अलग डिमांड है, महंगा बिकेगा, मतलब गंदा कर लो और बिकेगा। वाह, साफ चीज लाओ, छत पे रखो, गंदी हो जाए ले आओ बेच दो। अगर कुछ दुनिया के ऐसे पागल हजरात मौजूद हैं, दीवाने हैं, वो परवाने आपके पास आएंगे, खरीद के चले जाएंगे, मर जाएंगे। ये पॉइंट जो है ना दोस्तों, ये पॉइंट यही कह रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर विच द कस्टमर इज रेडी टू पे। दोस्त सवाल करो। बिल्कुल होती है, नॉन मॉनिटरी थिंग्स की वैल्यू होती है। आपका सवाल ये है सर, वो चीजें जो पैसे से नहीं मिलती उनकी वैल्यू होती है? इज्जत, रिस्पेक्ट, मुस्कुराहट हमारी, ठीक सही, ये सब चीजें इनके पैसे नहीं दे सकते आप। बट जैसे कस्टमर केयर है, तो कस्टमर केयर में जी सर प्लीज बैठे, प्लीज बैठे बोलने में अगर थोड़ा मुस्कुरा दिया ना बैठे, तो आपको बैठने में भी तकलीफ होगी, पता नहीं कहाँ बिठा रहा है। लेकिन अगर वो आपको ये बोल दे सर प्लीज, तो सर यस प्लीज बैठ रहा हूं, तो बताना ही है दोस्तों, ये नॉन मॉनेटरी चीजों की वैल्यू होती है। लेकिन फॉर विच द कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे, नहीं, उसके लिए भी कस्टमर पे करता है। ये मैं आपको नाम देता हूं, रिदान मंदी वाला आपने देखा है, और एक है हाउस ऑफ मंदी, ये मंदी हाउस, ठीक है, ये बाद में आया मंदी हाउस वाले, पहले रिदान आया था। इसकी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करता हूँ। मंदी हाउस में हम गए क्योंकि रिदा नहीं जाते थे, मंदी हाउस गए हम, थे कुछ टीचर्स, थे स्टूडेंट्स वगैरह, हम चले गए और नीचे बैठे। वहां पे पहले एक बंदा सुपरवाइज कर रहा, उसका नाम था आदिल, और वो बहुत ही कोई क्लासिक किस्म का आदमी था, पहले वो कोलाची पे होता था। वो आया और उसकी सर्विंग तो दूर की बात, उसका क्लाइंट को वेट कराना ऐसा था कि क्लाइंट बोले आधा घंटा भी सही है, बिकॉज उसको पता था बात कैसे करते हैं। उनके जो बिल आया ना हाउस ऑफ मंदी का, उसमें लिखा होता आदिल्स एटीट्यूड, 200 रुपए इसके हुए। लेकिन मैंने मैंने मंदी खरीदी या हमने वहां बैठ के आधे घंटे जाकर खाया, उसमें उसका एटीट्यूड शामिल था ना पॉजिटिव। भाई उसने तरीके से कस्टमर्स को वेट कराया, तो उसका जो वेट कराना था, कस्टमर्स वेट करते रहे, वो नॉन मॉनिटरी चीज थी ना, उसको तो पैसे मिल रहे हैं उस चीज के, मैंने तो उस चीज के पैसे नहीं दिए ना, मुझे पैसे मिले उसके। इखलाक नॉन मॉनिटरी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट वही लेकर आते हैं। क्लियर हुई बात दोस्त? क्लियर हुई या कुछ और पूछ रहे हो? डन, नेक्स्ट बात। तो कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर दिस, कोई भी चीज हो वो बन जाएगी वैल्यू। अब आए, अब डेफिनेशंस आपको समझ में आएंगी। अब मैं पढ़ता हूं, अब मैं अपने अंदाज में पढ़ूंगा, आप लोग फोकस करेंगे। अ वैल्यू चेन इज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज, कनेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का मजमुआ है। एक्टिविटीज को जमा करते हैं बहुत सारी, खरीदारी को, बनाने को, पैक करने को और बेचने को, जमा कर दें क्या कहलाएगा? वैल्यू चेन, चेन ऑफ एक्टिविटीज। रिपीट, खरीदना, बनाना, पैक करना और बेच देना क्या कहलाएगा बोलो? क्योंकि एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं हुई तब भी गए, बनाया अच्छा नहीं तब भी गए, खरीदा अच्छा नहीं तब भी गए।
दैट अ फर्म ऑपरेटिंग इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में परफॉर्म्स इन ऑर्डर टू डिलीवर अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द मार्केट. आप आ खान के पास, आ खान हॉस्पिटल जाकर सर्जरी के एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, मतलब पेशेंट, और वो दूसरा हॉस्पिटल से नहीं करा रहा. डाउ जाके पैसे दे रहा है, कहीं और से नहीं करा रहा, उसको वहां सर्विस वैल्यूड लग रही है, उसको फायदा दिख रहा है, उस फायदे के लिए वो पैसे देने को तैयार है. यही बात लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू डिलीवर अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द मार्केट. हाँ भाई, क्लियर हो रहा है दोस्तों? डन. Value chain analysis looks at every step a business goes through, from raw materials to the eventual end user. The goal is to deliver maximum value for the least possible total cost. Value chain to samajh mein aa gaya, company ka process A se leke process Z. Bhai milke bolenge, company ka process A se leke starting se leke खरीदने से लेके बेचने तक, इस पूरे को मिला के बोलेंगे वैल्यू चेन. अगर मैं इसके अंदर माइक्रोस्कोप लगा दूं और चेक करूं ये क्या हो रहा है, 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 तो एनालिसिस. और अगर किसी भी चीज को चेक करें तो एनालिसिस कहते हैं. तो वैल्यू चेन को चेक करेंगे तो क्या कहलाएगा? वैल्यू चेन एनालिसिस. बेटा आइडिया आ गया जहन में, अल्हम्दुलिल्लाह. अब मैं एक कंपनी की वैल्यू चेन दिखाता हूं आपको, डन है? बस थोड़ा साइड इफेक्ट है, दिखाने का थोड़ी भूख शुरू हो जाएगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आगे बढ़ू, कॉपी किया दोस्तों? हाँ भाई, चलूं लास्ट लिख रहे हैं. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास में हूँ. क्लास ठीक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक. दोस्तों आगे बढ़े, डन है? ये पिक्चर गैलरी से आपकी कॉपी में आ जानी चाहिए. ठीक है, आ गया. वैल्यू चेन. अब मैं आपको, केक कैसे बनता है? केक एक प्रोडक्ट है ना. आप जाकर खालिद स्वीट से करीब, खालिद स्वीट जाते हैं, ब्लू रिबन जाते हैं, फज केक 950 रुपए का है, सही है? आप इधर 950 देते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं हॉबनॉब तो पैसे बढ़ा देते हैं. आप बोलते हैं नहीं यार, इनके फज में और इनके फज में बहुत बड़ा डिफरेंस है. एंड दिस हैपेंस, आप जितने अच्छे ब्रांड या जितने मशहूर ब्रांड जिसकी प्रोडक्ट आप कहते हैं यार, फॉर एग्जांपल डेल फ्राई हो जाता है, वो तो ओवरली महंगा हो जाता है ना कुछ लोगों के लिए. अब पॉइंट समझे, ये सारी बेकरीज के नाम है, कोई नहीं भी गया तो कोई शर्म की बात नहीं है. ठीक है, बस एक जगह चीजें थोड़ी महंगी मिलती है, एक जगह सस्ती. जरूरी तो नहीं है कि यार जितने नाम लिए जाए, हम तो नाम मर्सिडीज का भी लेंगे, सही है? हम यूएसए निकलेंगे, रशिया निकलेंगे, तो फिर क्या करेंगे? हर जगह तो हाथ नहीं लगा सकते जाके. तो कोई फील वील करने की जरूरत नहीं है, बस नहीं है ऐसा, सर ने बता दिया ऐसा ही होगा. अब आओ, पहला स्टेप लिखने वाली बात है. ये पिक्चर तो नहीं लिख सकते, लेकिन स्टेप्स लिखो. गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स. अच्छा भाई बताओ, ये क्या चीजें हैं? रॉ मटेरियल है. क्या क्या है? चलो ये देखो, ये बेहतर दिख रहा है. हाँ भाई, ये क्या दिख रहा है दोस्तों, बताएं?
तार है, कोको पाउडर है, अंडा है, स्पून, प्लेट। सही है। चलो पहला स्टेप हो गया। मुझे बताओ क्या इस स्टेप के ऊपर वैल्यू एडिशन हो रही है? आप बोल रहे नहीं हो रही। मेरे भाई जो देसी अंडे लेकर आए हैं हम, बेटा ये वैल्यू एडिशन है। जो आप फार्मी खाते हैं उसमें कुछ नहीं है, जायका है। सही है। इसी तरीके से बेटा ये आपको बटर लग रहा है, ये बटर नहीं है, मार्जरीन नहीं है, एक्चुअल बटर है। फॉर एग्जाम्पल हम ब्लू बैंड खाते हैं, ब्लू बैंड इज नॉट बटर, मक्खन नहीं है, तो मार्जरीन है। और मार्जरीन के वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते ही नहीं है। ओए नहीं सर, मैं तो बहुत ताकत समझता था उसको। तो बाद में आएगा, कोर्स में आएगा वो भी। ठीक है भाई, अब आगे आओ। नेक्स्ट, आपने अच्छी क्वालिटी और अच्छी जगह से चीजें ले ली, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है मिक्स, जिसे कहते हैं क्वांटिटी कितनी रखनी है। आप में से हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी कितने लोग गए हैं? जबरदस्त, वाह। अच्छा भाई, मैं कल भी हैदराबाद में ही था, रात में ही आया हूं। अब सुनो, तो वो कितने साल तक उनकी रेसिपी छुपी रही ना, सामने तो नहीं आ सकी। कितने लोग कॉफी केक बनाते हैं लेकिन वो वाली बात नहीं आती, वाली बात ही नहीं आती। अब पॉइंट समझिएगा, ये मिक्स मैटर करता है कि क्वांटिटी लेनी कितनी है। इसकी एग्जांपल ये है कि ये जो खवातीन बैठी हुई है, कभी अपनी अम्मी से सीखने का पढ़ाई के साथ इत्तेफाक हो जाए कुकिंग, तो पूछते रह जाते हैं अम्मी कितने डालने। अम्मी बता देती है बेटा इतना, लेकिन जब खुद कर रही होती है तो यूं दो और कर देती है। अम्मी ये क्या कर दिया बेटा, ये मुझे लगा ऐसे, यूं दो और। अभी अभी आपने कहा था इतना। जजमेंट बेस्ड चलता है, जजमेंट बेस्ड। जितने एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग कभी भी डेफिनेट क्वांटिटी नहीं बता सकते, डेफिनेट क्वांटिटी नहीं बता सकते। चार चम्मच ही है बेटा, पांचवी चम्मच हराम। नहीं, वो चार चम्मच के बाद पांचवी चम्मच की तरफ भी चले जाएंगे अगर जरूरत फील हुई। एक्सपर्ट है ना, वो बोलेंगे नहीं आई नहीं रहा, एक चम्मच और नहीं आ रहा, और कुछ गड़बड़ हुई थी लग रहा है। आपकी पूरी रेसिपी गई ऑयल लेने। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट स्टेप, विस्किंग। बोलेंगे ये कौन सा वैल्यू एडिशन है भाई, उनसे पूछो जो घर के अंदर एस्प्रेसो बनाते हैं यूं कर करके, फेट फेट के, फेट फेट के, तो वो दो घंटे लगाते हैं मग को लेके, घर वाले बोल रहे होते टकाटक 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 चल रहा होता है। तो ये लोग जो इस तरह से कॉफी को पूरा विस्किंग कर रहे होते हैं ना, हाँ बेटा अंग्रेजी में विस्किंग कहते हैं, हाँ सही, फेट रहे होते हैं, सही, रायता बना रहे, वाह सर ठीक है सही। तो दोस्तों पॉइंट ये समझिएगा कि ये खुद वैल्यू एडिशन प्रोसेस है। विस्किंग का ठीक होना, विस्किंग का ठीक होना इवेंचुअली प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है। ये बहुत जबरदस्त लग रहा है यार, ठीक है सही है। चलें, अब विस्किंग हो गई, सही है। अब मैं मेजर मैंने आपके लिए तैयार किया ये, सही है। पहली क्लास से मीठा होना चाहिए था ना, तो केक रखा है, ठीक, वरना हम गाड़ी बनते हुए दिखाते, जहाज बनते हुए दिखाते। एनीवेज, अब अगली बात है दोस्तों, बेकिंग। बेकिंग आप कहेंगे सर ये क्या वैल्यू एडिशन है, पता है 10 मिनट रखना है। नहीं भाई, जो लोग दिल से कुकिंग करते हैं उनको अच्छी तरह अंदाजा है, वो बेकिंग के वक्त ये करते हैं, 10 मिनट रखा है ना, 5 मिनट बाद फिर ज्यारत करते हैं, जल तो नहीं गया, सही है ना। और एक दफा हाथ वात लगा के इसको यूं करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर एक मिनट बाद हॉल उठेगा, फिर खोलेंगे, मेरे प्यारे कैसे हो, फिर बंद कर देंगे। इतनी मोहब्बत से केक को बनाते, छोड़ते नहीं है उसको, उन्हें भी अकेले नहीं छोड़ते। ये बेकिंग भी वैल्यू एडिशन है। सच बात इसमें भी ये है कि आप डेफिनेट टाइम नहीं दे सकते। एक मशीन रखूं मैं और आपके घर पे दूसरी मशीन हो, मैंने यहां 10 मिनट में बनाया, हो सकता है आपके हम 12 मिनट में भी ना बने। ये तो एक मशीन, लाइटिंग, वोल्टेज, हीट, बहुत कुछ मैटर करता है, टेम्परेचर, टाइमिंग ऑफ द डे, ये थोड़ी बताई जाती है। अगली बात, एक और व्यू देख लें यार, वैसे बहुत जबरदस्त है यार। ठीक है, एनीवेज ठीक, सही है भाई, कुछ दिल चाह रहा है खाने वाने का,
अब अगला स्टेप है दोस्तों और आइसिंग। अच्छा भाई आइसिंग, आइसिंग समझते हो ना? देखो अगर ये फ्लेवर चॉकलेट के अलावा किसी का कोई मूड हो रहा है, किसका, तो आपके लिए मैंने ये रखा था। सही है भाई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसिंग। ऑब्वियसली जो ऊपर से डेकोरेट करेंगे दिस इज ऑल्सो वैल्यू एडिंग। आपने शानदार केक बनाया है, उसके ऊपर का हुलिया बिगड़ जाए ना तो घर में सफे मातम बिछ जाता है, अबे मेरा केक खराब हो गया। ठीक है, जो भी बना रहे हैं बहन है भाई है, तो चूंकि पूरे घर में न्यूज होती है ना आज तीन केक बनेंगे, तो हंगामा मचा होता है, किचन में तूफान आया हुआ होता है, अम्मी से टू टाइम्स की भी होती है, अम्मी अभी मत देखना किचन को, अभी आप देखेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। आपने देखना है थोड़ी देर बाद जब ये हम प्रोसेस से थ्रू हो जाए, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो फिर हम ये गम नहीं करते क्या चीज कहा जा रही है, पहले ये हो जाए फिर समेटेंगे। सही, और अम्मी के हाथ तो अल्लाह ने दो है वैसे, लेकिन दस होते हैं, यूं भी कर लेती है यूं भी कर लेती है ये भी यूं, अरे यार अम्मी कैसे कर लिया, कर लिया अम्मी है। नेक्स्ट बात दोस्तों आ रही है पैकेजिंग। पैकेजिंग भी वैल्यू एडिंग चीज है, एक अलग एक्टिविटी है पूरी। हां जी चले आगे बढ़ो भाई, एक और पैकेजिंग देखते हैं। ये बेहतरी दिख रहे हैं, बेहतर है ना ये, सही जो पसंद हो आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एनीवेज फिर आ रही है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा वो नजर ना लगे इसलिए ऐसे ब्लर कर दिए, ठीक है सही। अच्छा चलो चेंज करता हूं, मतलब इन अदर वर्ड्स आप जब डिलीवर कर रहे होते हैं ना तो आपको डिलीवर करना पैकेजिंग तो हो गई, पैकेजिंग के बाद अब आपको ऐसी वैन्स चाहिए जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, तो ये वैल्यू एडिशन है ना। आपने बोला नहीं इंशाल्लाह खैर होगी ले जाओ ऐसी आ जाओ बाइक पे आ जाओ 70 पे, सो तो केक पहुंच जाएंगे लेकिन वो बात नहीं रहेगी। आखिरी बात दोस्तों सेल्स। सेल्स खुद वैल्यू एडिशन है। सेल्स कैसे वैल्यू एडिशन है आपको समझाता हूं दोस्तों। वैल्यू एडिशन इस तरह से है कि आपने देखा होगा कि जिन बेकरीज के स्टाफ को नॉलेज अच्छी होती है, जो ट्रेंड अच्छे होते हैं या पुराने होते हैं, उनसे आप बोले यार ये अब जब ये फज वगैरह नया आया था ना, अगर आप जाए 1990s में तो ये फज और मूज वूज दिखते नहीं थे इतने, तो ये जब नया आया था ना फज और मूज, लेट से आप गए अहमद लेट से काउंटर पे, मैं बोला अहमद ये फज और मूज में क्या फर्क है, अरे सर ये भी चॉकलेट है ये भी चॉकलेट है, थोड़ा गीला होता है नीचे से और सर ये थोड़ा हार्ड होता है, बस ये फर्क है, हाँ सर यही है थोड़ा लिक्विड जैसा ये, तो ये एक्चुअली उसको पता होना चाहिए कि फज और मूज का डिफरेंस क्या है। तो सेल्स वाला, अच्छा कुछ लोग होते हैं कुछ कस्टमर्स होते हैं वो आते और वो बोलते थे आप बताएंगे मुझे जो बताएंगे, और आप बोल रहे थे नहीं नहीं सर जो आप बोले, भाई आपने पहचान लिया कस्टमर है 0 meter और कस्टमर बोल रहे हैं मुझे रोड खुद क्रॉस कराओ, तो आप उसकी शक्ल देखो आपको लोगो ये क्या चॉकलेट खाता होगा, सर चॉकलेट पसंद है, हाँ सर चॉकलेट का बेस्ट है बस ये ले जाए, टाइम ही नहीं लगाया दादा। ये सेल्स वाले को ये बातें पता होती है, ठीक है चले दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना बताओ कि क्लास से निकलते ही अगर किसी को वैल्यू चेन पढ़ाना हो पढ़ा सकते हो, हमारे हर स्टूडेंट में इतनी एबिलिटी हो कि एटलीस्ट जो पढ़ा है वो आगे डिलीवर कर सके इंशाल्लाह। वैल्यू चेन एक्टिविटी, वैल्यू चेन एनालिसिस, ये क्या होता है कोई भी एक स्टूडेंट पहले समझाए, फिर मैं अब इस मॉडल की थ्योरी कवर कराऊंगा। जी पूरा समझा दिए, अब सिर्फ थ्योरी रह गई है वो कवर करानी है, बोलो कौन बताएगा। जी बेटा ARTT में ही पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह, क्या सवालात है तुम लोग के यार। जी हाँ भाई कौन बता रहे, गर्ल्स बॉयज कोई भी,
अहमद समझाओ भाई, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? अगर हम यूं शुरू करें, हर बिजनेस जो एग्जिस्ट करता है या वो प्रोडक्ट देगा या वो सर्विस देगा, और वो प्रोडक्ट और सर्विस तब चलेगी जब कस्टमर बोलेगा वाह कुछ दे रहा है ये, और वो क्या कहलाएगी चीज? वैल्यू। वो चीज जो कंपनी डिलीवर करेगी, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो चीज कंपनी डिलीवर करेगी, ये डिलीवर करने के लिए वो प्रोसेस पूरा खत्म हुआ होगा तब जाके चीज डिलीवर हुई होगी। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वैल्यू चेन एक्टिविटीज। इस पूरे प्रोसेस को चेक करना क्या वाकई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब एक नई चीज बोलूंगा जो अभी एक सवा घंटे से मैंने नहीं बोली है, क्या ये चीज वैल्यू ऐड कर रही है या ये चीज वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रही है? आपने इस बात को समझना है। मैंने आपसे पूछा, एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने आपसे पूछा आपको यहां का चिकन रोल कैसा लगा? आपने कहा सर ओवरली स्पाइसी था। बोलो द स्पाइसी सॉस दैट दे एक्चुअली एडेड वॉज नॉट ऑफ वैल्यू टू यू। सो आपकी निगाह में सॉस एड करना वैल्यू डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी है। आप बहुत चटोरे थे, ऐसी मसाले वाली चीजें खाते हैं, अब देखो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सर मजे का चाट जबरदस्त है। तो आपकी नजर में ये जो ये इतना भर भर के डाल रहे हैं ये क्या है भाई? वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। एग्जाम्पल नोट कर लें, पेपर मार्च में भूल ना जाए, तो मैं याद दिलाता रहूंगा लेकिन फिर भी नोट कर लें। मेरी एग्जाम्पल अपने पास अपने वर्ड्स में नोट कर लें। जी राहिल, सॉरी डेफिनेशन दिखा दो राहिल। ये वाली हाँ भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग को सब समझ में आ रहा है, बेहतरीन है, क्लियर हो गई ये बात। जी बेटा जी जी नहीं बेटा, जिस पे करना चाहना, फॉर एग्जाम्पल क्रीक विस्टा फ्लैट्स है ना सीव्यू के पास, आप वो जगह देखते हो? एक क्वेरी का जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा। कस्टमर जिस चीज के लिए पैसे देना चाहे सर वही, जिस चीज के लिए उसकी जेब से पैसे निकले सर वही चीज वैल्यू है। जी बेटा वही चीज वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा दूसरी बात सुनो जो मुझे अब करनी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मेरे दोस्तों ये है कि कस्टमर के पास पैसे नहीं है लेकिन वो 7 U70 पे बैठा है, अभी लिटाकर इसने स्टार्ट की है, लेकिन साथ में एकॉर्ड गुजरती है, वो यूं देखता है कितनी अच्छी है, जेब में नहीं है पैसे देने को, 100 का पेट्रोल भराना है आगे से, बस जेब में होंडा अकाउंट के पैसे अभी नहीं है,
लेकिन अगर होते तो आप देती सर, होते सर दो रखती मैं। यस वैल्यू है, जिस चीज के लिए अगर पैसा हो तो निकले आपकी जेब से, इसको बोलते हैं वैल्यू। ठीक है बेटा, शायद पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। मेरे साथ सर समी होंगे, सर समी अल्लाह जो है बेटा वो प्रैक्टिस सेशन से मेरे साथ आएंगे, कोर्स बेटा सारा मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। जी आ गया हूं। अब बेटा अब कुछ ऐसी बातें करनी है जो इस मॉडल की थ्योरी है। मैंने आपसे कहा था कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, लेकिन जहां कहीं थ्योरी आएगी वो जगह बता दूंगा बेटा ये थ्योरी है। थ्योरी के पैराग्राफ के रट्टे नहीं लगवाऊंगा, लेकिन कम से कम जितनी जगहों पे ऐसी बात करनी पड़ेगी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, मॉडल के कुछ हेडिंग्स हैं वो याद करनी पड़ेंगी, तो वो जगह मेरे बस में नहीं होगी बेटा, उन जगहों को हमें याद ही करना पड़ेगा। अब समझें बेटा, पहली बात तो ये समझें, ये मॉडल के जो थ्योरिस्ट हैं इनका नाम है माइकल पोर्टर। जी बेटा कौन सा वाला बेटा, ऐसा कर लूं? अब तो नहीं आ रही हवा। अच्छा दोस्तों सुने, ये मॉडल किसका है दोस्तों, तो उसकी अपनी वर्किंग है। सो हिज थॉट्स आर मेंशन्ड इन द मॉडल, we might not agree with everything that he has proposed. Isne jo jo baatein ki hain, but we don't need to argue. Hame argue karne ki zarurat nahi hai. We just need to understand and follow his model for the exams. बेटा ये किसी खास वजह से लिखवाया है, आप नोट करें इसे। नहीं बेटा अजीज ऐसा नहीं है, आज हमने चैप्टर नंबर 2 से शुरू किया है कोर्स अपना। ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया सबने? अच्छा दोस्तों अभी क्लास के एंड में, जी जी क्लास के एंड में इंशाल्लाह हम एक तो ग्रुप हमारे पास ऑफिशियल
जो कैंपस का बना हुआ है वो ग्रुप तो होता है, और एक ग्रुप वो होता है जो हम अपनी क्लास में खुद चलाते हैं, जिस ग्रुप पे मैं मटेरियल शेयर करता हूँ, कोई बात शेयर करता हूँ, वो सिर्फ उसमें क्लास की हो रही है नहीं हो रही, उसकी एडमिन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती, वो सिर्फ मेरा पर्सनल ग्रुप होता है, उसमें मैं बताता हूँ भाई ये मेरा मटेरियल है, ये चीजें, तो वो ग्रुप में फिजिकल क्लासेस के लिए जैन आप जिम्मेदारी ले लें, जैन का नंबर एंड में लिख दूंगा, जैन ग्रुप बना देंगे, मुझे एडमिन बना के खुद हट भी जाएंगे, ठीक है, सही है, ये बस फेवर करेंगे। दूसरा, जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ग्रुप अलग बना दूंगा ताकि ये डुप्लीकेशन ऑफ थॉट्स कहीं ना आ जाए, ठीक है। ग्रुप पे मुझे उम्मीद, जी एक ही बना दें, नहीं ऑनलाइन क्लास वाला वो तो ग्रुप आपके पास है, लेकिन मेनली तो आप, सही है। अब एक सवाल उठता है, माइकल पोर्टर ने ये बातें करी तो सर ये आप हमें क्यों कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आगे लिखता जा रहा हूं, सही है, देखना आप, इफ माइकल पोर्टर सेज के बिजनेस की वैल्यू चेन में टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है माइकल चेन के, माइकल पोर्टर कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, और दूसरी होती है बेटा सेकेंडरी एक्टिविटीज। आई रिपीट, एक क्या होती है बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज, और दूसरी क्या होती है बेटा सेकेंडरी एक्टिविटीज। कौन कह रहे हैं बेटा ये? बेटा नजर आ रहा है, बेहतर है, अब बाय बाय द नेम्स दैट आई हैव मेंशनड, मुझे आप बताएं जो नेम मैंने मेंशन किए हैं इन नेम्स के साथ, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ, बेटा मुझे एक सवाल का जवाब दो बेटा कि आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी एक्टिविटीज होंगी, और जो थोड़ी सपोर्टिंग नेचर की होंगी वो, तो इनका नाम रख देते हैं हम, सॉरी, सपोर्टिंग एक्टिविटीज। बेटा यहां तक क्लियर है सबको? हाँ दोस्तों बताओ प्लीज। अगली बात मैं आपके सामने लिखता हूं, एक चीज अज्यूम करें, मैं कुछ एक्टिविटीज लिख रहा हूं, साथ रहिएगा, रेडी। मटेरियल कंपनी में पहले रिसीव होता होगा, फिर उसे प्रोसेस करते होंगे, फिर बेटा वो प्रोसेस होने के बाद स्टोर, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता होगा, किसको बोले, फिर बेटा आफ्टर सेल्स, ऐसे ही है, एक बात कह रहा हूं, मटेरियल डिलीवरी होगी, प्रोसेस होगा, स्टोर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आफ्टर सेल सर्विस होगी, एक जहन चला रहे, कॉपी ना भी करें कोई मसला नहीं है, और साथ साथ मार्केटिंग एंड सेल्स की एक्टिविटीज चल रही होंगी, ठीक। मुझे बताएं आईटी इंपॉर्टेंट होगा, राइट चीज प्रोक्योर करना इंपॉर्टेंट होगा, एचआर ठीक होना इंपॉर्टेंट होगा, बेटा बताओ, फाइनेंस इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे प्लीज बताएं। हाँ सही है, बस यहां पे रुक जाएं, पूरी क्लास यहां पे रुक जाए। माइकल पोर्टर कहता है मेरी नजर में बिजनेस के प्राइमरी प्रोसेसेस ये हैं, नाम क्या क्या लिखे हुए पढ़ो, सिर्फ नाम, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, अब इसने कोई भी नाम दिया हो, गुलाम फरीद कुछ भी,
इसकी मर्जी। इसने नाम क्या दिया? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इतना गहरा नहीं है, मैं बताता हूं ये क्या है। माल का ऑर्डर नहीं बेटा, बोलो ऑर्डर नहीं। ऑर्डर हो गया हो गया हो गया, आप लेकर आ गए सर ये आपने 50 किलो आटा मंगवाया था, ये लें, ये मैं रिसीव कर रहा हूं। मैंने रिसीव शुरू किया, क्या शुरू हो गया? नीचे नहीं पढ़ना, यही पढ़ोगे, नहीं पढ़ना। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात, अब वो किस में चला गया? दो बातें। तीसरी बात, अब मैं इसे स्टोर करके कस्टमर तक आउटबाउंड भेज रहे, कहां तक? आपके घर तक। कितनी बातें हो गई? तीन। इसने बोला चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब क्या बना? मार्केटिंग एंड सेल्स, अवेयरनेस क्रिएट करना, एड चलाना, समझ गए सारी वही स्टेप्स। और आखिरी बात, सर फ्रिज की लाइट नहीं जल रही, अभी कल ही लिया था, हम आ गए आफ्टर सेल्स। कॉपी नहीं करो, अभी कॉपी करने की टेंशन नहीं, अभी नहीं करना, वेट करो बेटा। इतना सही है? माइकल पोर्टर की नजर में इन एक्टिविटीज को सपोर्ट कहेंगे। माइकल पोर्टर कहेगा इन एक्टिविटीज को मैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज कहूंगा। नाम बताओ। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले सुनो ये है क्या। इदारे को चलाने के लिए एक जनरल एडमिन भी तो चाहिए। ये एडमिन के लोग हैं, ये फाइनेंस की टीम है, ये फला की टीम है। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इदारे का, ये कह रहे हैं ये कोर चीज नहीं है। अब दिमाग मत चलाना, जैसा माइकल ने बोला है वैसे मान लो, मॉडल उसका है। दूसरी बात, एचआर हो सकता है पेपर अभी बीएमबीएस का हो जाए, अगले दिन जैन आए, जैन कहे कि भाई वैल्यू चेन एज डिस्क्राइब बाय जैन दुर्रानी, मैं अपनी लेकर आया हूं सर, ये थ्योरी चलेगी मार्केट में। और मैंने बोला है सर द की प्रोसेस इज एचआर, लोग खुश कंपनी खुश। उन्होंने कहा वाह, क्या सर सही तो बोल रहा हूं, हैप्पी एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव। आप ढंग के बंदे ले आए, टीम खुद काम करेगी, ऑटो पे चलेगी। सर मैं तो समझता हूं कोर ये है। इतना दिमाग चलाने का आपको आईकैप ने नहीं बोला, तो इसको हम नहीं चलाएंगे, हम बोलेंगे जो माइकल पोर्टर ने कहा वही ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आज की दुनिया की रेस सारी इस पे चल रही है। माइकल पोर्टर कह रहा है ये क्या है? सपोर्टिंग है। हमने कहा जी अंकल, पुराना मॉडल है ना, अपडेटेड वर्जन नहीं है, लेकिन मॉडल इतना जरूर काम का है कि इसने ये सही बोला है कि सब चेन है, सब कनेक्टेड है, और कुछ वैल्यू एडिंग है और कुछ वैल्यू डिस्ट्रॉइंग। तो एडिंग को बढ़ाओ और डिस्ट्रॉइंग को, और जन्नत में मतलब पास हो जाओ। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेस। मैं कहता हूं ये तो सबसे अहम है कोलाची के लिए। ये कह रहे हैं ये सपोर्ट है। मैं कहता हूं केनेंस, बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम बनाने वाले, जिलेटो अफेयर्स, हॉबनॉब, इन सब के लिए मेरी नजर में प्रोक्योरमेंट क्या है? लेकिन सर आपकी नजर गई ऑयल लेने, क्योंकि हम मॉडल किसका पढ़ रहे हैं? जो मुझे अपना पढ़ाना था वो मैंने पहले पढ़ा दिया, जहन बना दिया। अब आपके जहन में ऑलरेडी पूरी बात बैठी हुई है। आप बोल रहे हो हाँ अंकल क्या कह रहे हो आप, सही अंकल, ठीक है अंकल, डन हो गई। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। ये पूरा इसकी पिक्चर बनती है, प्राइमरी सेकेंडरी और वो एरिया देखो, वो जो आगे थोड़ा सा नोक बनी हुई है, दैट इज वो ये कह रहे हैं इससे कंपनी को मिलता है, दोनों से मिलके मिलता है क्या? कंपेटिटिव एडवांटेज। अब बेटा सिर्फ स्लाइड्स देखनी है और आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है आगे? देखो बेटा, कंपनी के पास आरएनडी अच्छा है, प्रोक्योरमेंट अच्छी है, लेकिन सर स्टोर्स अच्छा नहीं है, माल खराब हो जाता है, धूप लग जाती है। आरएनडी अच्छा है, प्रोक्योरमेंट अच्छा है, चेन सही है, कहां टूटी चेन? अब बताओ प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आएगा? यस, बेहतरीन हो गया पक्का, वैल्यू चेन समझा सकते हो। अगर किसी जगह कोई खराबी आ रही हो तो आप ये बोलोगे
सर कहीं मसला है? नहीं, यूं नहीं बोलोगे आप, बोलेंगे सर इसकी वैल्यू चेन में कहीं वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है। बोलो भाई, जुमले चेंज हो गए? सही, ठीक है अंकल। अब बेटा ये मैंने आपके लिए कुछ वर्डिंग्स लिख ली हैं, अगर आप चाहें तो कॉपी करें और चाहें तो पिक्चर लें। मेरा ख्याल है आज पहला दिन है आपकी, जैसे मर्जी आप करें, स्क्रीनशॉट लेंगे, पिक्चर लेंगे, लिखेंगे। बताओ भाई, लिखेंगे? बेहतरीन, लिखें बेटा। सबसे पहले प्राइमरी से लिखवाना शुरू किया है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये आपके पास एटलीस्ट लिखा हुआ होना चाहिए, सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। हाँ भाई दोस्तों, नेक्स्ट एक्टिविटी लिखो, इनबाउंड के बाद ऑपरेशंस।
हाँ भाई दोस्तों, डन, ऑपरेशंस डन. नेक्स्ट, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप मोबाइल देखो. व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना के ना तुमको दे दिया. हाँ भाई, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग एंड सेल्स. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लगता है हम यार स्विच करेंगे कभी ऑनलाइन, हो सकता है हम क्लास लें? कितने लोग ऐसे हैं? फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन ये टाइम टेबल वाला और वाला ग्रुप अलग ही है. इसमें मटेरियल शेयरिंग के लिए और जो खास केस स्टडीज वगैरह शेयर करता हूँ उसके लिए होगा, ठीक है? एक ग्रुप बना लेते हैं. आप लोग अगर नंबर लिख दूं जैन का, बता दें.